Dear students, assalamu alaikum. The lesson 3.5, the red-headed lily, consists of two parts. इस लेसन के दो पार्ट्स, पार्ट वन मिस्टर विल्सन्स स्टोरी और पार्ट टू डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट डॉक्टर वॉटसन्स अकाउंट. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट बिफोर I am going to read the paragraphs that I will explain you later in the video. पहले मैं paragraphs पढ़ूंगा, उसके बाद उसको explain करूंगा. So please watch and listen carefully. Part 1. Mr. Wilson's story. When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. Holmes introduced me to the visitor, Mr. Jabez Wilson. He was a pawnbroker. Holmes asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in a newspaper. It read as follows: To the Red-Headed League, there is a vacancy for a member of the league, and the salary is £4 a week. For nominal services, red-headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the league, 7 Fleet Street. The advertisement had appeared in newspaper 2 months ago. Mr. Wilson's assistant, Vincent Spaulding, had shown it to him. Mr. Wilson liked his assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. But the assistant also had his faults. Every now and then he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained him that an American millionaire, Mr. Ezekiah Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job. So the two of them went to the address given in the advertisement. पार्ट वन मिस्टर विल्सन स्टोरी. पार्ट वन की शुरुआत इस तरह से होती है कि डॉक्टर वॉटसन जो है, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो गिवन ऑन द पेज नंबर 78 ऑफ द स्टोरी. जो रेड हेयर पर्सन इज सिटिंग ऑन चेयर, लाल बालों वाले शख्स जो कुर्सी पर बैठे हैं वो मिस्टर जेबेज विल्सन है. वहीं पर ब्लैक कोट में उनके पास में टेबल पे हाथ रखकर खड़े शख्स मिस्टर शर्लॉक होम्स है, और टेबल के उस तरफ पीछे की तरफ हाथ बांधकर खड़े हुए जो शख्स है वो डॉक्टर वॉटसन है. डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक होम्स के साथी डिटेक्टिव है. उनके जरिए ये कहानी जो है तो बयान की गई है. जब डॉक्टर वॉटसन कमरे में दाखिल होते हैं तो शर्लॉक होम्स मिस्टर जेबेज विल्सन के साथ बातों में मसरूफ है. जब ये वहां पर आते हैं तो मिस्टर जेबेज विल्सन का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो एक एल्डर, यानी जिनकी उम्र 50-60 के दरमियान हो, ऐसे फियरी रेड हेयर आग की तरह चमकीले लाल बालों वाले शख्स के तौर पर उनको दिखाया गया है. जब वो वहां पर आते हैं डॉक्टर वॉटसन, तो शर्लॉक होम्स मिस्टर विल्सन से कहते हैं कि आप अपनी कहानी दोबारा रिपीट कीजिए. तब डॉक्टर मिस्टर विल्सन अपनी कहानी रिपीट करते हैं. अखबार में छपी एक एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एड थी, जिसमें रेड हेड लीग के एक मेंबर की जगह खाली थी और उसके लिए इश्तेहार था जिसका जो उजरत या तनख्वाह हफ्ते के 4 पाउंड, रेड की करेंसी पाउंड है, 4 पाउंड एक हफ्ते के, और वो भी नॉमिनल सर्विसेज के लिए. जिस जो भी रेड हेड लोग हैं, यानी लाल बालों वाले शख्स, जो पता दिया गया था उसमें कि वहां पर मिस्टर डंकन रॉस से आकर के मिले लीग का ऑफिस जो कि 7 फ्लीट स्ट्रीट पर वाके है,
ये एडवर्टाइजमेंट जब अखबार में आई तो मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट उनके दुकान में काम करने वाला नौकर जिसका नाम विंसेंट स्पॉल्डिंग है, उसने ये खबर, ये इश्तेहार मिस्टर विल्सन को दिखाया था और उनसे कहा था कि ये आपकी भी लाल वाल है और आपने यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। और मिस्टर विल्सन अपने उस असिस्टेंट, उस नौकर विंसेंट स्पॉल्डिंग को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो एक तो स्मार्ट यानी होशियार था, दूसरा एफिशिएंट, लायक था, और तीसरी बात के दूसरे नौकरों के मुकाबले हाफ वेजेस यानी आधी तनख्वाह के ऊपर जो है तो उनके पास में काम करता था। लेकिन उसके अपने फॉल्ट्स थे, उसकी कुछ कमियां थी, जैसे कि एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क काम छोड़ करके वो सेलर में जाता था, सेलर दुकानों में, घरों में या बहुत सारे ऑफिस, बैंक वगैरह में तल घर होता है जहां पर कुछ मखसूस चीजें रखी जाती है उसे सेलर कहते हैं। तो ये सेलर में फोटोग्राफ डेवलप करने के लिए यानी जिसको फोटो धोना कहते हैं, उस स्पॉल्डिंग ने, उसको फोटोग्राफी का उसका मशगला था, उसकी हॉबी थी, उसने बताया कि ये अमेरिकन मिलियनेयर है, मिलियनेयर, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख की गिनती हो रुपया, उसको एक मिलियन कहते हैं। और 10 लाख स्पॉल्डिंग ने कहा कि आपके भी रेड हेड है और आपने जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपने जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो दोनों ही जो पता बताया गया था अखबार में 7 फ्लीट स्ट्रीट में डंकन रॉस से अप्लाई करने के लिए वहां पर जाते थे।